अगर आपको दाल चावल नहीं पसंद है तो फिर शायद आपने अभी अच्छी दाल बनी हुई खाई नहीं है। एक जमाना था मुझे दाल बनाना इतना मुश्किल लगता था और अब मुझे लगता है यार आई हैव मास्टर्ड इट। आधा घंटा पहले तकरीबन मैंने एक कप मूंग मसूर की दाल भिगो के रखती थी। कुकर में आपने तकरीबन 4 ग्लास पानी लेना है, उसमें दाल डालनी है, 1 बड़ा प्याज और 1 बड़ा टमाटर, साथ ही इसमें बेसिक स्पाइसेस नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा पाउडर और हाँ थोड़ी सी काली मिर्च फॉर एक्स्ट्रा स्पाइस। बस फिर आपने कुकर बंद करके इसको तकरीबन आधा घंटा पकने देना है। अच्छा, मैंने ना आज पानी थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया था, उसका कोई मसला नहीं है, वो बाद में आप खुश कर लो, जितना आपको थिकनेस पसंद है उतनी कर ले। तकरीबन आधे घंटे बाद दाल बिल्कुल गल चुकी थी लेकिन अभी थोड़ी सी पतली थी। दूसरी तरफ मैंने चावल बॉईल कर लिए थे, अब मैं उनको दम लगाने लगी हूँ और दम के लिए 1 चम्मच देसी घी, थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ा सा जीरा। ये फ्लेवर्स होते हैं यार, समझा करो। और ये है मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो घर में सबको बहुत पसंद आता है, अचार का मसाला डाला है तकरीबन मैंने 1.5 चम्मच और 1 चिकन क्यूब लाजमन। आप यकीन करें आप मेरे तरीके से दाल बनाया और मेरी सास के अल्फाज है कि हमारा ये बिल्कुल हलीम लग रहा है सिर्फ अगर इसमें गोश्त होता, और चिकन क्यूब से ना उसका भी फ्लेवर आने लग जाता है, तो इट्स टू गुड। चलिए जी, अब हम लगाएंगे दाल का तड़का। देसी घी ले लो तो यार उसका बहुत अच्छा जायका होता है, इट्स योर चॉइस, आप ऑयल भी ले सकते हैं। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे लहसुन बहुत बारीक काट लिया था, आई वुड प्रेफर कि इतना बारीक ना काटो ताकि वो जब दांत के नीचे आता है ना तो फिर उसका बड़ा मजे का जायका आता है। उसमें तकरीबन आपने 5 से 6 जवे लहसुन के डालने और उसको हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लेना है। अच्छा, बी वेरी केयरफुल एट दिस पॉइंट क्योंकि ये ऐसे सेकंड्स की गेम होती है और जल जाता है। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा ना फिर आपने इसमें जीरा डालना है क्योंकि अगर जीरा पहले डालेंगे ना तो वो काला हो जाता है, कुटी हुई मिर्च ऑप्शनल है। अच्छा, इसको आपने बहुत केयरफुली फ्राई करना है, कॉन्टिन्यूसली स्टिर करते रहें क्योंकि जो हिस्सा नहीं हिलेगा ना वही ब्राउन हो जाएगा, ये ज्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगा और वो फिर ना ऐसे जला जला टेस्ट देने लग जाएगा। वो जो गोल्डन ब्राउन कलर होता है ना दैट इज द परफेक्ट कलर। ये स्पाइस बॉक्स यार बहुत हैंडी हो गया। चलें जी, अब बस फाइनल स्टेप्स। हमने सबसे पहले तड़का लगाया दाल को, कंसिस्टेंसी आपने अपने मुताबिक रख लेनी है, ना बहुत ज्यादा पतली हो यानी रनिंग कंसिस्टेंसी हो, ना बहुत ज्यादा थिक हो जाए क्योंकि वो जैसे जैसे ठंडी होती है ना तो गाढ़ी होती जाती है। कलौंजी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, कसूरी मेथी की खुशबू और टेस्ट बहुत मजे का होता है और गरम मसाला इज अ मस्ट, और हरे धनिया से तो कलर आएगा। और बस ये आपका खाना बन गया दोपहर का, और मैं इसके साथ सैलेड लाजमन खाती हूँ, मुझे बहुत मजे के लगते हैं सेब सलाद में। यहाँ पे ये खीरे जरा मोटे कटे हुए लेकिन आई वुड प्रेफर कि बहुत बारीक कटे हो ना तब बहुत मजे का लगता है। सेब, खीरा, टमाटर, प्याज और हरा धनिया और थोड़ा सा लेमन जूस लाजमन लाजमन, और अगर आपको टेस्ट पसंद है तो नमक और काली मिर्च, दैट इज अ मस्ट। और यार सॉरी फॉर माई वॉइस, मेरा ना नाक आजकल बिल्कुल बंद हो गया है दोबारा से, अभी तो सर्दी आई भी नहीं है अभी से ये हाल हो गया। और कोशिश करें कि यार खाने के साथ सलाद लाजमन बनाया करें और कोशिश किया करें कि अपनी प्लेट के अंदर तकरीबन 30-40% आपने सलाद डालना है, और खाना भी है ऑब्वियसली आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि यार आपकी हर चीज अच्छी होने लग जाएगी, बाल, स्किन, नेल्स, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप लोग ऐसे बनाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप किसी और तरीके से बनाते हैं वो बहुत अच्छा बनता है तो डू शेयर इट विद मी, और अगर आप बनाएं तो मुझे इंस्टा पे लाजमन टैग करना। और ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम करने लगी थी और मुस्तफा ने कहा लेट मी हेल्प यू मामा। बच्चों को ना पता नहीं यार कैमरे से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन होता है, मुस्तफा को तो बहुत ज्यादा है, जहाँ पे ये कैमरा या लाइट देख लेना तो बस ये तो सीधा वहीं आके खड़ा हो जाता है। फिर खैर शाम को भाभी की बर्थडे थी, हम लोगों ने वहां जाना था तो मैंने कहा चलो यार आज फटाफट तैयार हो जाते हैं, जरा तसल्ली से मुस्तफा सो रहा था तो मैंने कहा दिस इज द टाइम, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल ऐसे ही होता है मैं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ बीबी क्रीम या टेंट लगा लेती हूँ, और आज मुझे थोड़ा सा मौका मिला तो मैंने कहा चलो फायदा उठाए। प्रेपिंग माई स्किन वेरी वेल, मैंने मेरे ख्याल से 2-3 दफा पहले भी बताया और आज दोबारा बता रही हूँ कि जिस दिन आप ऑरेंज कंसील करके, ऑरेंज नहीं मतलब कंसील करके आप मेकअप करोगे ना देन यू विल सी दैट योर मेकअप विल लास्ट सो लॉन्ग। बाकी हर किसी के फेस की अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं, जिसको जो पसंद आता है वैसे कर लो। हाँ, लेकिन कॉन्टोर या ब्रॉन्ज, व्हाटएवर यू डू और यू प्रेफर, डू इट। Meanwhile, I'm doing my makeup. I would like to address one thing that just randomly came across my DMs. तो मतलब Instagram के ऊपर जब मैं स्टोरीज लगाती हूँ तो उसके ऊपर जितने भी मुझे मैसेजेस आते हैं ना तो अक्सर मैं पढ़ती हूँ बैठकर, तो 2-3 मैसेजेस मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे। वन सेट कि मैं अपने फियांसे से किस तरह बात करूँ, आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें, और सेकेंडली एक बंदी का मैसेज आया कि मुझे नहीं समझ में आता मैं अपनी सास से क्या बात करूँ, मैं घंटों उनके साथ बैठी रहती हूँ लेकिन कोई टॉपिक नहीं मिलता। सो अगर यार मैं अपना ओपिनियन दूँ ना तो मेरी बड़ी ओल्ड स्कूल थॉट्स हैं। अब दोनों में से ना कोई एक काम कर लें, इधर बिकम अ गुड लिसनर और बिकम अ गुड स्पीकर। योर कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर अ लॉट इन योर लाइफ। अगर आप ये कहते हो ना कि आप बहुत एंटी सोशल हो, आपसे बात नहीं होती है, आप कंफर्टेबल नहीं होते हो किसी के साथ, माय डियर लेडीज दिस इज नॉट गोना वर्क फॉर यू इन प्रैक्टिकल लाइफ। बेशक आपकी जॉब है, आपकी करियर लाइफ है या पर्सनल लाइफ है, घर में बाहर हर जगह बात करना और अपनी बात से लोगों को कायल करना ये एक बेसिक स्किल होता है जो आपको उस जिंदगी में लाजमन सीखना है। जो यूनिवर्सिटी के अंदर आपको प्रेजेंटेशन दिलवाई जाती है ना उनका बेसिक मकसद ही यही होता है कि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाए, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप की जाए, चाहे वो आप बात घर में अपनी सास से करें, अपने मियाँ से करें, अपने फियांसे से करें या बाहर आप प्रैक्टिकल लाइफ में करें। तो जो बंदा अपने अंदर ये स्किल्स डेवलप कर लेता है ना तो फिर उसको मेरा नहीं ख्याल कि उसको टॉपिक्स ढूंढने की जरूरत पड़ती है। अब मतलब मैं आपको सच में बताऊँ, अब दो घरेलू खातून है फॉर एग्जाम्पल कि आप और आपकी सास, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करती हूँ, मैं और मामा आपस में क्या बातें करते हैं, मतलब सुबह उठते सार जो यार खाना पकाने से स्टार्ट होता है ना कि आज क्या पकाएं, पकाना क्या है, खाना क्या है, कुछ मंगवाने वाला रहता है, सौदा सलफ पूरा है, इससे थोड़ा सा आगे आए तो बेशक आप ड्रामों की बातें कर लें। आजकल बिस्मिल बड़ा अच्छा चल रहा है, कितनी चुड़ैल है यार ये हरीम फारूक, सॉरी मासूमा सिद्दीकी, ड्रामों की बातें कर ले या कोई भी बात, फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल फ्रेंड्स, नेबर्स, ईच एंड एवरीथिंग, रिलेटिव्स, कुछ भी आप डिस्कस कर सकते हो बैठ के। जाहिर सी बात है ना यार, आप साथ से आप बिजनेस मॉडल या स्टॉक एक्सचेंज मार्केट तो डिस्कस करोगे नहीं, आपने अगले बंदे के इंटरेस्ट ढूंढने होते हैं कि वे शी इज इंटरेस्टेड। तो खैर बात करते करते यार मैं इधर उधर निकल गई, लेकिन द वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू एड्रेस ऑल ऑफ यू, डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके बात करने का तरीका। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट्स योर पॉइंट, आपने उस पॉइंट को प्रेजेंट किस तरह करना है और आपने अगले बंदे को अपनी बात मनमानी किस तरह है। मनमाना इन अ सेंस ये कि आपकी बात करने का तरीका इतना खूबसूरत होना चाहिए। ये नहीं है कि आप जी नहीं यही करो, इस तरह नहीं होता। मीन्स ये कि आपकी थॉट्स प्रेजेंटेशन खूबसूरत होनी चाहिए। मतलब मैं ना अगले दिन ऐसे किसी से डिस्कस कर रही थी, हर नबी को एक मौजजा दिया गया था, कोई ना कोई स्पेशल पावर जिससे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे, उनकी बात मानते थे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने उनको कोई मैजिकल पावर नहीं दी थी, उनका इखलाक, उनका बात करने का तरीका ही लोगों को कायल करने के लिए काफी था। इसीलिए तो शायर ने कहा, बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि अल्लाह पाक ने ये जो हमें जुबान दी, हमें बोलना सिखाया, ये अल्फाज, इनसे हम क्या कुछ नहीं कर सकते। वो तो अल्लाह के नबी थे, वो तो रहती दुनिया तक लोगों को मुसलमान कर गए। तो इवन इफ यू फील शाय, आपको थोड़ा सा झिझक महसूस होती है, तो स्टार्ट बाय टेकिंग वन स्टेप। और ये हम बातें करते करते तैयार शेयर होके पहुंच गए थे रेस्टोरेंट। आज हम लोग अजवा आए थे। अजवा मेरे फैमिली का ना पूरा ऐसे मतलब हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट बना हुआ है। मेरी भाभी की बर्थडे थी और हमारे घर का एक असूल है कि हम सारी बहुओं को, बेटियों को, या जिसके भी कोई भी हमें स्पेशल ओकेजन मिलता है ना, हम गजरे और फूल तो हम भाग के लाते हैं। अच्छा सच में मुझे नहीं याद रहता, मैं अक्सर भूल जाती हूँ, लेकिन मामा पापा दे आर वेरी एक्टिव इन इट। अगर आप लोग मुझसे पूछे ना कि मुल्तान के अंदर कोई पहली दफा आ रहा है और हमने उसको कहीं लेकर जाना है, तो मैं आप लोगों को अजवा इज वन ऑफ द प्लेस दैट आई वुड रिकमेंड, कि यहाँ का माहौल, मौसम अच्छा है और थोड़ा सा शहर से बाहर हो जाता है, शोर नहीं होता, खाना, फूड, टेस्ट, सर्विस, हर चीज़ बहुत फिट है। इनका मटन, इनका चिकन, और सबसे मजे की ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इन्होंने एक न्यू इंट्रोड्यूस करवाई है, वो मटका बिरयानी, एंड दैट वाज टू गुड। मतलब मैं ना आयशा भाभी बार बार कह रही थी बिरयानी बहुत अच्छी है, बिरयानी बहुत अच्छी है, और हम सारे ना उनको देख रहे थे कि यार बिरयानी कौन खाता है बाहर आके। लेकिन द मोमेंट आई हैड द फर्स्ट बाइट, वो बहुत मजे की थी। और पता नहीं मैं क्यों क्लिप सिंक करके नहीं ना बोल रही, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। फिर मैंने सोचा यार तैयारी पे इतनी मेहनत की है, पिक्चर तो हक बनता है। और पूरा टाइम हम बाहर जाते हैं ना तो हम बच्चों की निगरानी पे खड़े होते हैं। पहले ये जिशान भाई के पास गया था, फिर ये उनको धोखा देके मेरे पास आ गया। मामा का बेटा है ना, क्या करें। ये देखो यार, ऐसे ही नहीं ना पार्टियां हो जाती, मेहनतें होती हैं बड़ी पीछे। खाने में अफगानी मटन कढ़ाई, दैट वाज माय फेवरेट, ये बहुत मजे की थी। साथ ही जलफ्रेजी और एक और चिकन हांडी थी, ये थोड़ी सी स्पाइसी बनी हुई थी। मटका बिरयानी का पूरा मैं आपको पहले सुना चुकी हूँ, और एक ये मटन ना लाहौरी मटन था, ये भी अच्छा था। और सुपर क्रैकर्स तो फिर हमारे फेवरेट है ना यार, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और एक ये इनकी बड़े मजे की सर्विस है, ये खाने के बाद ना आपको गर्म टॉवल सर्व करते हैं और वो ऐसे स्टीम आ रही होती है ना उनमें से, सर्दी में अगर आप बैठे हो तो हाथ टकोर हो जाते हैं। हम लोग बैठे, हम लोगों ने चाय शाय पी, खाना शाना खा के, फिर हम लोगों ने वो पीछे बर्थडे सेटअप पहले से लगा पड़ा था, हमने कहा चलो केक वही ले जाते हैं, वही बैठ के काटते हैं। बस फिर हम लोगों ने चाय शाय पी और फिर केक वगैरह काटा, और वो भी पता है ये मजे की बात सुनो, ये ड्राई केक लेकर आए हुए थे। बच्चा की तरह आप लोगों का, ये कौन सी बर्तनों पे ड्राई केक काटते हैं। चुप कर। तो खैर, दिस इज ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ यार, फॉलो या सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।